आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। भारतीय मौसम विभाग IMD ने वर्ष 2022 के लिए दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अपने पूर्वानुमान को बढ़ाकर दीर्घ अवधि औसत लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी कि LPA के 103% तक कर दिया है, जबकि अप्रैल में यह LPA के 99% स्तर पर था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ला नीना की स्थिति 4 महीने वाले पूरे मॉनसूनी मौसम के दौरान प्रबल रहने की संभावना है। इसका खुदरा मुद्रा स्फीति दर पर सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, जो अप्रैल में बढ़कर 95 महीने के शीर्ष स्तर 7.8% पर पहुंच चुकी है और आर्थिक विकास की गति दी है। यह पूर्वानुमान 4% कम ज्यादा वाले त्रुटि प्रारूप पर आधारित है। वर्ष 1971 से लेकर 2010 तक पूरे देश की मौसमी वर्षा का LPA 87 सेंटीमीटर है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर यह पूर्वानुमान सच रहता है तो यह लगातार 4th ऐसा साल होगा जब पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य या सामान्य से अधिक रहेगा। यह एक ऐसी स्थिति है जो हाल ही के समय में नहीं देखी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे देश में इस साल बारिश की कम या सामान्य से कम होने की केवल 23% की संभावना है। मौसम विभाग ने आज दूसरे चरण का पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि मध्य पूर्व, पूर्व और उत्तर पूर्व भारत तथा गहन दक्षिण पश्चिम प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर जहां यह सामान्य से कम रह सकती है, देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से लेकर अधिक सामान्य तक वर्षा की उम्मीद के साथ मानसून की अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य और दक्षिणी भारत में बारिश LPA के 106% से अधिक होने की उम्मीद है, जबकि देश के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बारिश सामान्य रहने की उम्मीद है। उत्तर पूर्व भारत में बारिश को तब सामान्य माना जाता है जब यह LPA के 96 से 106% के दायरे में हो, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य सीमा LPA के 92 से 108% के बीच होती है। IMD के महानिदेशक का कहना है कि भारतीय मानसून के लिए अनुकूल मापदंडों के आंकड़ों में अप्रैल में जताए गए पहले पूर्वानुमान के बाद में इजाफा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।